So, hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about antileprotic drug. Okay, so antileprotic drug is important for the exam point of view. 6 mark का वेटेज है इस चैप्टर को. डिग्री प्लस डिप्लोमा में केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर है, जैसे कि सल्फोनामाइड है. ओके, सल्फोनामाइड ज़्यादा वेटेज का है एज कम्पेयर टू एंटीलेप्रोटिक ड्रग. ओके, सो एंटीलेप्रोटिक ड्रग इज अ जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट वन यू वॉन्ट टू नो वॉट इज लेप्रोसी. ओके, एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन से हो सकते हैं जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज अ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स और कंपाउंड्स. सो बेस्ट एग्जाम्पल है डैप्सॉन. ओके, डैप्सॉन एक कॉमन ड्रग है. क्लोफेजिमाइन, थायम्ब्यूटाजोन एंड सोलेप्सोन. एग्जाम में आपको यही 4 ड्रग आएंगे, इन्हीं में से कोई दो ड्रग आपको पूछे जाएंगे. दैट मीन्स 6 मार्क का वेटेज है, तो डेफिनेशन के लिए और ड्रग के लिए 4 मार्क्स ऐसा ही इसका वेटेज होगा. ओके, सो डैप्सॉन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लेप्रोसी. ओके ओके, सो इंट्रोडक्शन. व्हाट इज लेप्रोसी. लेप्रोसी इज द क्रोनिक कम्युनिकेबल डिसीज. कम्युनिकेबल डिसीज है ये. ओके, कॉज्ड बाय द मिकोबैक्टीरियम लेप्रिया. लेप्रिया मिकोबैक्टीरियम लेप्रिया एक बैक्टीरिया है. ओके, उसकी वजह से ये ड्रग कॉज करता है. देन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोमैटस लीजेंस ऑन द ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. स्किन का डिसीज है. ओके, एक इन्फेक्शन है. ओके, देन नेक्स्ट वन, इट इज क्रोनिक क्यूरिएबल डिसीज मेनली कॉजिंग स्किन लेजन्स एंड नर्व डैमेजेस. देन लेप्रोसी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम मिकोबैक्टीरियम एंड लेप्रिया. ओके, ये ड्रग आपको एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है. कॉज्ड बाय द मिकोबैक्टीरियम लेप्रिया, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेप्रोसी का, और उसे ट्रीट करने के लिए हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग यूज करते हैं सच एज डैप्सॉन, क्लोफेजिमाइन, थायम्ब्यूटाजोन. इज अ कॉमन ड्रग. ओके, देन नेक्स्ट. नाउ क्लासिफिकेशन. 6 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर को, तो क्लासिफिकेशन प्लस डेफिनेशन के लिए आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. देन व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सिंपल क्लासिफिकेशन है, सल्फोनामाइड का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. ओके, लेकिन एंटीलेप्रोटिक ड्रग मेन ड्रग है, 4 या 5 ड्रग्स है सिर्फ. ओके, सो क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट क्लास इज अ सल्फोन्स. सल्फोन्स मीन्स जो सल्फोनामाइड बेसिक रिंग है, सल्फोन प्लस प्लस अमाइड. ओके, सो सल्फोन्स मीन्स इसका जो बेसिक कंपाउंड है इस ड्रग में होगा अमाइड प्लस सल्फोन, राइट, SO2. सो एग्जाम्पल इज अ डैप्सॉन एंड सोलेप्सोन. क्लियर. देन फेनाजिन डेरिवेटिव. ओके, फेनाजिन इज अ बेसिक रिंग इन क्लोफेजिमाइन कंपाउंड. ओके, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड. दैट मीन्स डाई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स डाई मीन्स टू सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है थायम्ब्यूटाजोन में. हम आगे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, सो दैट्स वाई डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल इज अ थायम्ब्यूटाजोन. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीलेप्रोटिक ड्रग. क्लियर, व्हाट इज एंटीलेप्रोटिक ड्रग एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीलेप्रोटिक ड्रग. ओके, सो इसके लिए 2 मार्क्स यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है. क्लियर, देन नेक्स्ट. नाउ कमिंग्स टू द वन बाय वन ड्रग. फर्स्ट ड्रग इज अ डैप्सॉन. ओके, डैप्सॉन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंटीलेप्रोटिक ड्रग में आपको सबसे पहले डैप्सॉन ही आएगा, कॉमन ड्रग है. ओके, सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डैप्सॉन इज अ NH2-benzene ring, then SO2-benzene ring and NH2. सिंपल कंपाउंड है, लेकिन इसको आपको केमिकल नेम प्लस स्ट्रक्चर को यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. अभी केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम तो इसका डैप्सॉन है. ओके, सल्फोन डेरिवेटिव है, तो सल्फोन है क्या इसमें, SO2 प्लस NH2 सल्फोना अमाइड इज अ बेसिक कंपाउंड इन द स्ट्रक्चर, राइट. देन केमिकल नेम, वॉट इज अ केमिकल नेम, 20-4-aminophenylsulfone. अब केमिकल नेम कैसे आया यहाँ पे देखो, 20 मीन्स 2. ओके, जो कि हम सफिक्स यूज करते हैं 20, दैट इज अ 2 सेम ड्रग्स. सो 20 वाई, ये भी कॉमन है, ये भी सेम है, राइट. 4-amino. अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगा. हेट्रो एटम
सेल फोन है. सो वन देन टू थ्री एंड फोर, राइट. यहाँ पे भी देखो वन टू थ्री एंड फोर. सो दैट्स वाई बीस फोर अमीनो. फोर्थ नंबर पोजिशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? NH2 ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप. नो देन फोर अमीनो फेनाइल, दिस इज द फेनाइल रिंग. जो कॉमन रिंग है ये कौन सा रिंग है? फेनाइल रिंग है, राइट. सो फोर, ये वाला फोर अमीनो फेनाइल एंड सल्फोन. सल्फोन इज अ बेसिक कंपाउंड, राइट. दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप इन दैट स्ट्रक्चर, राइट. सो दैट्स वाई सल्फोन. सो वॉट इज द केमिकल नेम? बीस फोर अमीनो फिनाइल सल्फोन. ये केमिकल आपको, केमिकल नेम आपको आना चाहिए. ओके, बहुत ही सिंपल है. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर केमिकल नेम आपको टू मार्क्स के लिए आ सकता है. देन नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डैप्सोन. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है? कलर, ऑर्डर, उसका फिजिकल नेचर है ना, टेक्सचर, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी. सो डैप्सोन ऑकर्स एज अ व्हाइट ऑन अ क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. टेस्ट इज अ स्लाइटली बिटर टेस्ट. इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ईथर, सो विच सॉल्वेंट ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में सोल्युबल है? डैप्सोन, राइट. देन इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल टाइट क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट. डैप्सोन का स्टोरेज कंडीशन कॉमन है. ओके, स्टोर्ड इन अ वेल टाइट क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट. क्लियर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डैप्सोन. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है? डैप्सोन का रिएक्शन अगर हम किसी अदर केमिकल के साथ, दैट मीन्स एसिड या बेस के साथ करेंगे, तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? ओके, सो डैप्सोन केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ, सिंस इट इन कंटेन टू एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप ऑब्वियसली, देन इट कैन बी डाइजोटाइज्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ विथ HCl एंड सोडियम नाइट्रेट एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड coupled with B naphthol to give an orange red azo dye. Okay, किसके साथ react करना है आपको? Diazotize करना है. Diazotization एक reaction है, same as a synthesis, right? By treatment with HCl, hydrochloric acid के साथ आपको उसका reaction करना है and sodium nitrate and it result compound coupled with beta naphthol. B naphthol means beta naphthol. It gives orange red azo dye form होगा. Right, so this is the chemical properties and then uses, Dapsone is used in the treatment of leprosy. जो Mycobacterium leprosa का जो infection है उसके infection के लिए treat करने के लिए हम use करते हैं. Anti-leprotic drug is a Dapsone. Clear? The next use, Dapsone also known as diamino diphenyl sulfone is an antibiotic commonly used combination with rifampicin and clofazimine for the treatment of leprosy. Last हमने देखा था combination, जो भी drug का combination कैसे use करते हैं. So ये भी drug, multiple drug therapy में use किया जा सकता है Dapsone with rifampicin and clofazimine antibiotic. Then it is used in a treatment of dermatitis reptiformis, जो भी स्किन इन्फेक्शन है. ओके, तो उसमें डर्मेटाइटिस आएगा ही. क्लियर. देन नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डैप्सोन. अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो डैप्सोन इज, डैप्सोन और बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर यूज ओनली ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. देन डैप्सोन एंड सल्फोनामाइड्स हैज अ सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ऑब्वियसली सेम फंक्शनल ग्रुप है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होगा. एक्शन दैट इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय एंटागोनाइज द पाबा. पाबा को डिफेक्ट करके फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने देता है डैप्सोन प्लस सल्फोनामाइड. क्लियर. सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड. ओके, देन नेक्स्ट, ऑफिशियल प्रिपरेशन, डैप्सोन बीपी प्लस आईपी मींस ब्रिटिश प्लस इंडियन फार्माकोपिया फॉर्मुलेटेड है एंड डैप्सोन का टैबलेट है. क्लियर. सो दिस इज द एंटी लेप्रोटिक ड्रग. बेस्ट एग्जांपल इज अ डैप्सोन. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में बस इतना है. थैंक यू.